आई एम गुड, आप बताइए आप क्या। भाई अरे भाई बिग फैन सर। ओके। अच्छा आपकी भाई तुम कहाँ पे थे? मेरा गाने का न्यू पोस्टर लॉन्च हुआ था, मैं अपने पोस्टर की लॉन्चिंग में था भाई। सुन भाई विक्रांत से बंद कर दो ये लाइक प्लीज। मेरी बात विक्रांत से हो गई तो मैं विक्रांत से ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने बोला उसको तू तू परसों धमकी कुछ दे रहा था दीपक भाई को। तू बोल रहा था कुछ कि मैं कश्मीर आऊंगा फिर दीपक भाई को ऐसे टच कर। मैंने उसको बोला तू टच करके दिखा मैं तेरे को बोलूंगा। फिर उसने गाली गलौज बकी वहां से कुछ ड्रामा बोला। मैंने तेरे हाथ नहीं काटे साले, फिर तू मेरे को बोलना। देख अकी भाई, ओ विक्रांत भाई सुन मेरी बात। मैंने तेरे को बोला पर तू सुन, मैंने तेरे को अभी बोला, मैंने ना सुन मेरी बात, मैंने तुझे एज ए ब्रो बात करी, तूने वहां से बोला ओ गांडू तूने कुछ गाड़े, ठीक है एज ए ब्रदर बात करता था शायद मैं, तूने गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करता। तूने गंदी लैंग्वेज यूज किया, मैंने गंदी लैंग्वेज यूज की, वो तेरे को नहीं। अरे सुन तो ले पहले, मैंने तेरी लाइफ देखी अभी जब मैं एड नहीं हुआ था, मुझे मालूम है तू क्या बोल रहा था, ठीक है मेरे भाई। तो वो मुझे मत बता तू क्या बोल रहा था। तेरा कहने का मतलब ये है कि तू ये कह रहा है कि मैं कश्मीर आऊं, ठीक है, और दीपक को मैं टच करके दिखाऊं, ठीक है। सुन भाई मेरी बात है, तूने पैचअप करा दीपक भाई के साथ या नहीं करा? मेरे को उसके साथ पीछे सुन भाई, सुन भाई, सुन भाई, अरे विक्रांत भाई मेरी बात सुनना, मेरी बात सुन एक मिनट, एक सेकंड। तूने दीपक भाई को बोला परसों, सुनना मेरी बात, तूने दीपक भाई को बोला परसों कि मैं कश्मीर आऊंगा तुझे मैं सरप्राइज कुछ दूंगा, फिर तू मतलब मुझे इस बात का बुरा लगा और पेन लगी थोड़ी सी कि तू कश्मीर आएगा और दीपक भाई को टच करके ऐसे दिखाएगा, वो वहां से उतरा ही नहीं है कि तू कश्मीर में आएगा। दीपक भाई के इतने चाहने वाले हैं कश्मीर में, इतने चाहने वाले, तू आ ही नहीं सकता है पहले यहाँ पे। चल मेरी बात होता, नाम क्या था भाई? मेरा नाम उमर है। क्या उमर? उमर उमर। अच्छा उमर, जैसे भाई तू बता रहा है ना कि दीपक के इतने चाहने वाले हैं, जैसे अभी मैंने तेरी बात सुनी है, तो दो मिनट सुनियो मेरी बात, ठीक है। दीपक के चाहने वाले कश्मीर में इतने हैं, तो तुझे वो बात देख, दीपक भी बता देगा कि दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में दीपक के चाहने वाले कितने हैं, ठीक है। जैसे तू बता रहा, ठीक है भाई, और दीपक को शायद मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्यार दिल्ली एनसीआर हरियाणा मिल रहा है। जब तक दिल्ली में, सुना हो विक्रांत भाई, जब तक दिल्ली में अकी भाई इसके साथ है ना, तब तक दिल्ली में इसका बाल कोई उखाड़ नहीं सकता है। देख भाई तू फिर ईगो हर्ट करने वाली बात कर रहा। ईगो में हर्ट नहीं करने वाला, सुनना मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने देखा भी है और अकी भाई का मैंने मतलब बहुत सारे से देखा भी है कि अकी भाई जो है ना, इसका बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता है दिल्ली में भी। फिर जहाँ अकी भाई रहता है वो वहाँ तो बात ही नहीं है। मेरी बात तो सुन मेरे भाई, मेरी हाँ बोल भाई, जैसे तू कह रहा है कि अकी दीपक के साथ है और दीपक को कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, ठीक है मेरे भाई। पहली बात मैं तुझे बता दूं, विनीत भाई भी कोई मुझसे अलग नहीं है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अगर तू ये चैलेंज कर रहा है, चल कश्मीर छोड़, कि अक्की भाई दीपक को बुलाता है तो उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लाइव चल रही है, 4000 लोग है, अगर इसका मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होता, ठीक है, अक्की से दिल्ली बुला ले, बात खत्म, वो फिर तुझे मैं दिखा दूंगा अपने भाई। सुन विक्रांत भाई एक बात मैं बोलूंगा, सुन बता। तू परसों बोल रहा था लाइव पे कि कश्मीर में मैं तेरे को सरप्राइज दूंगा कुछ, तू मैं कश्मीर आऊंगा तुझे पता नहीं चलेगी मैं कैसे आऊंगा। सुन तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है, अकी भाई बिग फैन सर, दीपक भाई बिग फैन सर, इनका मैं, ये मेरे भाई है, सुन तू भी मेरा भाई है, मैं तुझे ये मतलब बोलना चाहता हूँ, तू एक बार दिखा के आ जा, मतलब अगर तू एज ए फ्रेंड आएगा इसके पास ठीक बात है, मतलब तू भाई के लिहाज से आएगा वो ठीक बात है, और अगर तू दूसरे मतलब लिहाज से आएगा, मतलब तू इसको मारेगा या तू इसको ऐसे टच करके दिखाएगा, तू आ जा मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। उमर अपनी हेलो, एक मिनट बने,
उमर विक्रांत दो मिनट शांत रह, दो मिनट शांत रह भाई। क्या नाम है तेरा? भोसड़ी का। अरे बनी तू नहीं बोलेगा गांडू, बनी तू नहीं बोलेगा, चुप बैठा रहा है। एक मिनट लात मार के नीचे बैठा दूंगा, चुप बैठ रहा है गांडू। भाईचारे की तरह हो ना तो दो मिनट शांत रही हो, तेरे में थोड़ी सी भाईचारे की तरह हो तो दो मिनट शांत रही हो। और तेरी बहन की तूत बहन के लंड जो गंजे के साथ बैठा, तेरी बहन में लंड गिर देंगे समझ गया तू? कश्मीर कह रहा है टकले की ना इसकी माँ छुप जाएगी बहन के लोड़े, दो दिन का मेहमान होगा इतना में तेरी बहन में लट गिर देंगे समझ गया? तेरी बहन की दूध बहन के लोड़े दसवीं पास के तू बहन के लंड तू बचा जैसे तेरी बहन की दूध मेरी बहन तो देंगे रंडी के। तू कभी उस पर उछल रहा हो इसकी सारी सेलिब्रिटी रहना की गांड में डाल देंगे बहन के लंड। तेरी मैं बहन ऐसे चोदूंगा ना तेरी, तेरी बहन तो दूंगा बहन के लोड़े पन्नी नाम है, तेरे मुंह में मुंह तो दूंगा बहन के लोड़े समझ गया? तू शांत हो जा दो मिनट अक्की, यहाँ मजाक नहीं चल रहा अभी, दो मिनट शांत हो जा अगर भाई मानता है। और बकचोदी करने तो नीचे उतार दे कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बहन की तूत मैं कह रहा हूँ तेरी बहन की तूत बहन के लंड तेरी गांड में गूदा हो ना रंडी के, इसके साथ बैठ के क्या बोल रहा है बातें चोद रहा है? इतने थपेड़े बचेंगे ना बहन के लंड सकल भूल जाएगा अपनी रंडी के। उसकी जान का बाल नहीं पाड़ पाएगा, कश्मीर का किंग है बन्नी, तू इसके जान का बाल नहीं पाड़ पाएगा। तू पाड़ लेगा मेरा अक्की, तू पाड़ लेगा मेरा जाट का बाल, तू पाड़ लेगा। तू गांडू है, तू गांडू शांत रहे पहले, तू शांत रहे, तेरे से बात नहीं कर रहा ना अपनी जान का। तू तारी तेरी बहन तू अपना में रंडी के बहन के लोड़े नीचे जो भी तेरा नाम है, क्या नाम है इसका? उमर। तेरी उम्र कम कर दूंगा बहन के लंड, मैं कह रहा हूँ तेरी उम्र कम कर दूंगा तेरी बहन की चूत तेरे मुंह लंड दे करके ना तेरे यहाँ अलग तक झाड़ दूंगा बहन के लोड़े, तेरी बहन की चूत। और गंजे गंजा भी पिटेगा बहन के लंड तू भी पिटेगा, तेरी बहन की चूत बहन के लोड़े ढाई गिरे तेरी बहन के लोड़े, तू बहन के लंड में औकात बताएगा? 200 रुपए के नाव में तू बहन के लंड सवार होकर तू हमें औकात बताएगा? तेरी बहन बहन चोद वो मुझे क्या बोलेगा? बहन चोद सुन मेरी बात। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तू वो गंडमरी पिस्तौल है जिसमें से पानी भी नहीं निकलता, मैं कह रहा हूँ तू वो गंडमरी पिस्तौल है बहन के लंड जिसमें से पानी भी नहीं निकलता रंडी के, मैं कह रहा हूँ तू वो गंडमरी पिस्तौल है जिसमें से पानी भी नहीं निकलता समझा? बहन के लंड इस पे उछल रहा है तू इस आंड जैसी तकल पे। वो इधर आंड आंड इधर आगे आंड इधर इधर वो बहन के लोड़े इधर आ गया। तेरी बहन की छूत दीपक कलाल बहन के लोड़े तेरी बहन में लंड दे दू मैं, तू बहन के लोड़े सेलिब्रिटी है, गाली खाता है बहन के लंड, तू भाईचारा खराब कर रहा है सबका, तू सेलिब्रिटी है बहन के लोड़े तेरी बहन की छूत। भग गांडू तू, भग गांडू तू, दीपक के लिए नहीं बोलेगा गांडू बन्नी भग बहन बन्नी बन्नी। दीपक अलाव को डीएम में मैसेज कर रहा था मुझे माफ कर दे मैं तेरा भाई हूँ, अभी लाइव में ऐसे बात करेगा बहन चोद उसकी औकात है साले दीपक के ऊपर आके दीपक के लिए नहीं बोलेगा बनी ऊपर आके दीपक। मैं बोल रहा हूँ कश्मीर में आके कोई दिखाए कि दीपक अलाल को कोई टच करके दिखाए, खुदा रसूल की कसम का उसी अल्लाह की कसम का जो ऊपर वाला है उसकी गांड ना मारी मैंने तो थूक कर देना मेरे मुंह पे। और कोई बोलेगा कि मैं कश्मीर में आऊंगा फिर दीपक अलाल को टच करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे चैलेंज देता हूँ कोई आ जाओ और दीपक अलाल को कोई कोई देखे मतलब टच करने के तो बात ही नहीं, कोई देखे कोई वीडियो ऐसे उठाए कि मैंने दीपक कलाल को मैं उसको मार लूंगा, गांड नहीं मारी मैंने सालो। क्या लक्की गुड बेबी आई एम गुड। अब भोसड़ी के पाकिस्तान के कटवे बोल बहन के बोल उमर। ओए आर्यन प्लीज 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 डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड इन स्टेट टू स्टेट भाईचारा की गाली थी बकचोदी ने। इस भाई से भी तमीज से रोस्ट करो, देश विदेश बीच में मत लाओ, देश विदेश मत लाओ।
मेरे पास रात 2 बजे तेरी गाड़ियां मार दी, तेरी गाड़ी इतनी सस्ती होगी ना, इतनी सस्ती होगी ना, 200 में साले मेरे साले तेरा तेरा वही पे पाकिस्तान नहीं। 1 मिनट चुप हो जाओ रियान, चुप हो जा, मेरी बात सुनो। ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान, ना मुसलमान, ना हिंदू, ओनली भाईचारे पे गांड मारो, गांड में दम हो तो आगे ना बहन के लोड़ो। एक अगर एक तरफ से मूतना आगे तो बह जाओगे, बहन के लोड़ो तुम पाकिस्तान वालों। ऐसी तेरी बहन चूदेगी, बता तू क्या कर लेगा मेरे से। आर्यन बीच साइलेंट, अभी दीपक भाई तू भी शांत हो जा, आर्यन तू भी शांत हो जा, विक्रांत तू भी शांत हो जा। 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट सुन लो, सारे सुन लो, 1 मिनट सुन लो, कुछ नहीं कह रहा। अब आर्यन तू भी सुन ले, 1 मिनट मेरी सुन लो, नशे में है तू, 1 मिनट सुन लो। यहाँ पे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान जात बिरादरी पे मत बोलो, भाईचारे पे गांड हिंदू का मत बोलो। करो 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 करो, जात बिरादरी मत बोलो। उमर मेरा लंड पकड़, मुंह खोल, पापा बोल, माँ की चूत, मुंह खोल, पापा बोल, मेरी बात ना, पाकिस्तान ना हिंदुस्तान का बात रे, मेरी बात सुन। तुम लोग मुझे जितना के दिखाओ, तुम दीपक भाई को टच करके दिखाओ, अगर तुमको तेरे मुंह से नहीं छुटा, तू मेरी मुंह में छुपा चले। और सुनना मेरी बात, बहन चोद कच्ची ला रहा हूं, जॉइंट और विक्रांत सुन मेरी बात, बहन चोद सुनना मेरी, तेरी बहन का लौड़ा तेरी बहन को मुंह में चोद, सुन मेरी बात। तू बोल रहा था जॉइंट तेरे टीका रहा है गांड में मरवा दूंगा, तू बोल रहा था दीपक लाल को मैं कश्मीर में भेजूंगा और कश्मीर में उसको मैं टच करके दिखाऊंगा। डाइनिंग टेबल मंगाऊंगा तेरी माँ के चूतों को, पीऊंगा यू खा तो मेरी गंडी के सुअर है, तो सुअर तेरी माँ चूत गई बहन की औलाद दीपक पिस्टल दिखाओ बहन चौध। जो भी नीचे बैठा हो मैं सभी भाइयों की एक बात बोलूं, जात बिरादरी लेके ऊपर ना आओ, गांड मारनी आदमी की मारो, आदमी से मराओ, बस एंड डू इट मैन। ना हिंदुस्तान है, ना पाकिस्तान है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ये बीच में मत लाओ। अरे भाई अकी भाई, आपस में सारे भाई बहने सारे भाई है आपस में, तो इसमें क्या है, स्टेट की बात करनी है। भाई चारे में गांड मारो, बकचोदी में गांड ना मारो। लगेस्ट फॉरगेट मैन, आर्यन, विक्रांत और बनी बनी एंड प्लीज यार डू इट। हिंदू इंडिया पाकिस्तान मत लगाओ, सुना बिग फैन ब्रो, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बहुत गलत बात कर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि गांडू हम दीपक भाई को कश्मीर में आएंगे और उसको सरप्राइज देंगे। वो इनकी हैसियत है ही नहीं बहन चोद, उनको की है दीपक भाई
कहाँ से ले दोबारा ले आर्यन प्लीज डोंट फाइंड इन वो जात बिरादरी नहीं दी अरे मैं तो भाई मेरी बात सुन दे क्यों कल इंडियन आर्मी के बारे में कुछ कह रहा था अब देख बस मेरी आईडी पे नहीं मेरी आईडी पे नहीं अलग जा मैं तो अरे भाई हम तो अपने देश के चली जाएगी हेलो ले लो अरे यार प्लीज देश को लेकर कुछ मत बोलो यार और क्योंकि यहाँ पे देश का मसला नहीं है प्लीज तो इसको अच्छा सुनो अक्की भाई हेलो अक्की भाई इसके बाद अक्की भाई प्लीज हेलो अक्की भाई तू कश्मीर में भाई सीरियस से तू सीरियस चुप हो करो ना यार आप हमेशा सीरियस लाइफ कंडक्ट करते अभी आप डांस कर रहे हो क्या कर रहे हो अक्की भाई प्लीज बकचोदी सुनना नहीं कि बकचोदी तक तुम देख रहे हो रे तो दीपक भाई नहीं नहीं भाई अक्की भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज यार अभी सीरियस हो जाओ थोड़ा यार अपनी मां चुद वाले सीरियस बनने में हम है वन मिनट अब मुझ बातें करो अच्छा विक्रांत भैया देखो मुझे आपसे भी कुछ झगड़ा नहीं करना है उल्टा मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे लिए पोस्टर बनाया देखो यार अभी दशहरा है हम लोग सब एक हो जाएंगे हजार केक कटने वाले कश्मीर में दीपक भाई के सुनना मेरी बात दिल्ली में क्या दिखाएगा तू कश्मीर सुन मेरे मैंने तेरे से भाई ऐसे बात सुन मेरी बात मेरे को जवाब दे रहा हूँ सुन जो विक्रांत भाई ने बोला कि कश्मीर में मैं आऊंगा दीपक भाई को मैं ऐसे सरप्राइज दूंगा उससे मुझे हर्ट हो गया है क्योंकि दीपक भाई को कश्मीर में बहुत चाहने वाले और पूरा कश्मीर बहुत चाहने वाला है ये तुम बोलोगे भाई मेरे एक मिनट शांत हो जा एक मिनट शांत हो जा मेरे भाई एक मिनट बोल 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 दीपक ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि मेरे केक काट तो सुन पहले अरे सुन तो ले मुझे वो पता है दीपक भाई ने मुझे बोला विक्रांत भाई से मेरी सुनो तुम सुन विक्रांत भाई सुन मेरी बात नहीं हो रहे हो भाई एक मिनट सुन तू मेरी बात एक मिनट एक सुनना 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 मेरी बात मेरी बात सुन एक मिनट मेरी बात सुन तू पहले तू सुन मेरी बात पहले लाइव 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 बैंड के लंडो एक मिनट रुक जाओ दिमाग मत दो सुन लो यार कुछ नहीं कर सकता तेरी बहन का भोसड़ा और दीपक की बहन की चूत और बता तुझे मारू और दीपक का बोल भोसड़ी के बोल तेरी बहन की बता हमें लड़ दीपक दीपक भाई ने मुझे ऐसे बोला सुन मेरी विक्रांत भाई सुन 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 अब सुन अब सुनेगा बात ही नहीं बोल उसे जीजा बोल बहन के लंड तेरा जीजा है विक्रांत जीजा बोल भोसड़ी के लंड दीपक भाई ने मुझे बोला बोला कि विक्रांत भाई के साथ मुझे पैचअप हो गया दीपक भाई ने मुझे बोला कि विक्रांत भाई के साथ मुझे पैचअप हो गया मुझे उसके साथ अच्छी बरादरी मैंने उसको बोला मुझे परसों पैर लगी वो बोल रहा था कश्मीर में आऊंगा सुन तुम सुन और विक्रांत भाई मुझे बात करने को दे मुझे बात करने को दे अरे मुझे बात करने अरे एक सेकंड बात मुझे बात करने दे अकी भाई लव यू ब्रो एक मिनट मेरी बात इसने मुझे बोला कि मेरा विक्रांत के साथ पैचअप हो गया उसको कोई गाली बलोच नहीं देना है कुछ भी नहीं वो मेरा भाई है वो मेरा भाई है वो मेरा केक काटने वाला है वो मेरा केक काटने वाला है तो उसको गाली मत दो कोई मैंने बोला ठीक है भाई परसों जो हो गया वो सो हो गया वो आप आपस में भाई हो तो ठीक है कोई बात नहीं उसके लिए उसने मुझे बोला वैसे ही लेकिन मैं जब आ गया आपके लाइफ पे तो मैंने आपको कुछ बोला आपने गाली दी तुझे पता क्यों दी क्योंकि हम तेरे बाप है तेरी बहन की चूत है हम इंडियन है तेरी बहन का भोसड़ा तेरा जीजा यूरा तेरा जीजा यूरा सुनना हो अबे वो बड़े कर रहे हो बकचोदी शुरू कर रहे हो आराम से बात करो जब वो बंदा आराम से बात कर रहा है तुम गांडू सुनो हो बड़े हो तुम जैसे कश्मीर में लेता हूँ तुम जैसे लड़कों में ठेके पे लेता हूँ और गांड मरवाता हूँ बड़वे सुनो विक्रांत हो बहन के दो सुनना मेरी बात हो गांडू तेरी बहना चोदी मेरे साले तुझे मेरे बहन की चोदी तेरे साले तू कश्मीर में आ गया गांड मारूंगा तेरे साले तू मेरे को जानता नहीं है रुक जाओ आप रुक जाओ तू मुझे जानता नहीं है अरे अब तू भी रुक जा यार अच्छा सुनो हेलो मुझे कुछ लाइव में बोलना है थोड़ा आप अप और डाउन ओके अकी भाई
मैं अभी 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में, आप दीपक भाई से बात कर लो तो मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? ओके बेटा, दीपक को ओके ओके भाई, लव यू लव यू लव यू आंटी। बट यार ये बकचोदी मत करो ना, जो करना चाह रहे कॉन्ट्रोवर्सी की इतनी गांड ना मारो ना कि दीपक। हेलो, मैं कुछ नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, इंडियन आर्मी जो है हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी ये जो इंडियन आर्मी जो है वो हमारे देश की सुरक्षा करती है। तो इंडियन आर्मी के लिए अगर किसने कुछ गलत बोला है तो हम उसके लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो लोग हैं तो उनका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग यहाँ पे खाना नहीं मिलता है उनको, हमने खुद फौजियों की जिंदगी देखी है, तो बहुत उनके लाइफ में स्ट्रगल है। तो फौजियों के लिए भाई रिस्पेक्ट है, फौजियों के लिए प्यार है, क्योंकि कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं इसीलिए। इंडियन आर्मी लव यू ऑल एंड लव यू ऑल अवेयर। हाँ, तो ऐसे कुछ भी नहीं है हम इन, और सुनो अक्की भैया, यार देखो मैं आपके लाइव पे आया हूँ, आप डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, देखो अक्की भैया मैं यहाँ पे सीरियस लाइव कंडक्ट करने के लिए आया हूँ। क्या बकचोदी करूँ, ना तो वो मान रहा है ना वो मान रहा है, ये बकचोदी क्या चल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। डांस कर रहे हो क्या, तुम्हें पता तो है मैं क्या करूँ, बैंड के लोडो का करूँ क्या, मुझे ये तो पता कि अक्की तू ये कर क्या बोलूँ, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, जब नहीं सुन रहा तो मैं नीचे बैठा दे रहा हूँ, कहानी खत्म। अरे भाई वो ठीक है, लेकिन आप डांस कर रही है, ऐसे कर रहे, ऐसे मत करो प्लीज अक्की भाई, मैं आपको कब से मना कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं हैरी गुजराल के लाइव पे जाता हूँ, प्लीज आप ऐसे मत करो यार, ये एक सीरियस टॉपिक है, प्लीज अक्की भाई आप समझ रहे हो। क्या करूँ तू बता क्या करूँ, सुनता रहूँ बकचोदी सुन इन लोगों की, जब कोई तेरी नहीं सुन रहा मेरी नहीं सुन रहा तो क्या करूँ मैं। अब एक मिनट विक्रांत को लेते, विक्रांत से आराम से बात करें, लू विक्रांत को आराम से बात करेगा भाई, पहले मुझे लोगों से बात करने दो, आप डांस बंद करो प्लीज अक्की भाई, मैं नहीं तो ये लाइव बंद कर दूंगा भाई, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं आर्मी को लेकर, कमेंट्स आ रहे हैं, बंद है बकचोदी पे डांस है, जब बहन से तो बकचोदी कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा तो दिमाग की मां छूत रही है, इसलिए कर रहा हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बता किससे बात करनी है। देखो मैं ये लाइव स्टॉप कर रहा हूँ, मैं अक्की के लाइव पे जा रहा हूँ, तुम मुझे ये डांस वांस बंद कर रहे हो, तुम सीरियस अच्छे कपड़े पहन के यहाँ पे आ रहे हो तो मैं ये लाइव कंटिन्यू करूंगा, और अगर तुमको ऐसे करना है, मैं तुमको कब से कह रहा हूँ कि तुम ये बंद करो, तुम ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हो, ये सब क्या है यार, वो हमें मिलने के लिए आए हैं, वो कश्मीर के लड़के है यार, दीपक मैं कुछ नहीं कर रहा, तू बता क्या करना है, तू जैसा बोलेगा वैसा होगा, तू बता क्या करना है, कुछ मत करो यार, एक सीरियस लाइन तो कंडक्ट करो, तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, कंटेक्ट करता हूँ प्लीज मत करो अक्की भाई, नहीं तो मैं हैरी गुजराल के लाइव पे बोलेगा ऐसे होगी, बता तू जैसे कहेगा वैसे लाइव चलेगी। सबसे हाँ तुम अभी शांत बैठो, मुझे एक मिनट बोलने दो। तो देखो अगर कुछ जाने अनजाने में इंडियन आर्मी के लिए कुछ गलत कॉमेंट्स हुए है तो हम तहे दिल से माफी मांगते हैं, नंबर वन। और ये जो लड़के हैं तो इसको वो जो अभी आर्यन करके जो बंदा है उसने इसको पाकिस्तान के कटवे ऐसे कहा, अक्की भाई तुम ये बात ने सुनी कि वो आर्यन ने इनको क्या कहा, देखो ये बिल्कुल गलत है, अगर तुम किसी लोगों को पाकिस्तान के कटवे कहोगे तो क्या रिप्लाई मिलेगा आपको, बहुत देखो बहुत। भारत माता की जय हम अभी भी कहेंगे और भारत माता की जय हम जिंदगी भर कहेंगे। Yes. तो सबसे पहले तो ये जो मुद्दा है यहाँ पे आप इंडिया पाकिस्तान मत करो प्लीज भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, नीचे जो कमेंट्स है उसको आप लोग बंद कर दो और प्लीज प्लीज आप इस मुद्दे को यहीं पे समाप्त करो। अच्छा दूसरी बात, जो विक्रांत भैया है वो भी अच्छे हैं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, देखो दशहरा है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी झगड़ा ना करे और हम लोग जो है वो खुशी खुशी रहे, तो मुझे किससे कुछ झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ये लोग बहुत नाराज थे विक्रांत से इसीलिए उन्होंने कुछ कहा, तो विक्रांत भैया को हम कॉल पर लेंगे, अच्छे से बात करो प्लीज यार, क्योंकि मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ यार, ये सब मेरे ऊपर आएगा पता है तुम्हें। विक्रांत भैया को लो लाइव पे, एक मिनट लेता हूँ भाई। देखो मैं किसी भी मुल्क को गाली नहीं देना चाहता हूं और मैं इंडियन आर्मी का सम्मान करता हूं, क्योंकि ये सब जाएगा देश के ऊपर यार, प्लीज नीचे सब ऐसे कमेंट्स कर रहे, हम रोस्ट कर रहे थे, हमने नहीं ऐसे किसको मत बोलो,
जो आर्मी के हैं वो भी अपने भाई है, वो जिंदगी में अपने भाई है, कितना वो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, वो लोग यहाँ पे भूखे पेट रहते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन आर्यन ने इनको जो बोला वो बहुत गलत है। उसने जब वो लाइन पे आया, इनको पाकिस्तानी कटुए बोला, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आप सामने वाले को उकसाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन आर्मी की, ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो देखो कि भाई मैं कश्मीर का हूँ, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब गाली देंगे, तू पाकिस्तान का ये है, तू पाकिस्तान का वो है, मतलब ऐसे नहीं है। विक्रांत भाई चले गए, विक्रांत भाई चले गए। हाँ हाँ, मैं लेता हूँ उनको कॉल पे, विनीत भाई को हम लेते हैं कॉल पे। विनीत भाई ऐसे कुछ भी नहीं है, और हम सम्मान करते हैं। विनीत भाई से बात करो भाई, वो पॉलिटिशियन है, उनसे बात करो अच्छे से। विनीत भाई आप आ गए, बोलना चाहती हूँ अच्छे से बात करो। सर है वो विनीत, अब जी जो लोग हमारे देश के लिए ऐसी हरकतें कर रहे, तुम विनीत भाई आप आ जाओ, मार दो विनीत भाई को लिया आपने कॉल पे, बोल दिया, इनवाइट कर दिया भाई। क्योंकि ये लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे देश के लिए, गालियां दे रहे हैं, ऐसे मुल्ले कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये लोग हमारे देश के ना ये लड़ाई करवाने लगते हैं ये लोग। ए नहीं, वो विनीत भाई तो नहीं आपने ऐड किया है, ब्लॉक मारो भाईचारा तुम्हें बहुत सारा। ऊपर से देखो मैंने इनवाइट विनीत भाई को कर रखा है, विनीत सरदाना। अब तो रुक, मैं बोलता हूं, विनीत सरदाना को इनवाइट कर रखा है भाई मैंने। अच्छा, भाई मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर हम किसी मतलब किसी और से स्टेट भी है, लेकिन उनको एक गलत बात नहीं करनी है कि पाकिस्तान की बात उठाए या कश्मीर की बात उठाए या किसी इंडिया की बात उठाए। हम यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं, वो क्यों उस स्टेट की बात कर रहे हैं या इस स्टेट की बात कर रहे हैं। हेलो विनीत भाई, हेलो विनीत भाई, देखो मैंने सॉरी बोला है, और ये भैया जो है ना उनको ऐसे नहीं, हम आर्मी से प्यार करते हैं। इसको जो आर्यन है ना वो कॉल पर आया, इसको उसने बोला पाकिस्तानी कटुआ। देखो भाई ये भी तो गलत ही है ना विनीत भाई, आप खुद कॉल पर आओ प्लीज यार, बोलो यार प्लीज आप कॉल पर आओ। अरे वो तो है ही नल्ला भोसड़ी का, उसको तो समिति का है बोलने की यार, उसको जाओ। हम बात करना चाहते हैं आपसे, बस एक मिनट आप। अरे हम अरे दुनिया हम उसको एक साल से जानते हैं, वो तो है ही बदतमीज मादरचोद, वो ऐसे काला नल्ला। वो मतलब वो क्या मतलब यहाँ पे फॉलोवर्स इकट्ठे करने आते हैं क्या वो यहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो आपको कितना टाइम लगेगा? हरकतें कर रहा है वो, कितनी गलत बात है उसमें। अच्छा, नहीं नहीं भाई, रोस्टिंग लाइन में अपने देश और अपने मजहब को बीच में मत लाओ यार, वहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत अच्छी बात नहीं है ना विनीत भाई। रोस्ट करना है तो हाँ, रोज करना है तो सिर्फ सामने वाले को रोज करो, उसकी नेशनलिटी पे, उसके धर्म पे मत जाओ, वरना यहाँ पे नहीं अक्की से नहीं है वो, विक्रांत से लड़ाई है। भैया क्योंकि वो कल मेरे केक काटने वाला है, हमारा पैचअप हो गया। आर्यन चौधरी तेरी भैंस उठ गई, समझ ले ये स्टेटमेंट के बाद कितनी गलत, तूने जो बोला है ना, एक मिनट रुको, अब तेरी माँ चूतेगी। कुछ भी बोलेगा तू, कुछ भी बोल देगा तू किसी को। वो किसको गाली दे रहा है भाई? रोस्टिंग में तुम एक दूसरे को गाली दो, किसी के मजहब या किसी के धर्म पे मत जाओ भाई, तू ये लाइव पे आ जा, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो कुत्ता पागल है, वो फेम पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी बोलता है किसी को। अक्की तुम आगे से उसको ऐड मत करना प्लीज, अगर तुम दीपक से प्यार करते हो तो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ छोड़ के प्लीज। अक्की तुम उसको कॉल पे बुलाओ, ये बहुत गलत उसने बात बोली है लाइव में आके। भाई 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 बहुत गलत बात है, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, तू भी मेरी कर, मैं भी तेरी करूंगा, दीपक की भी कर, हम तेरे कर। तो वो वहाँ पे आके गाली देने से आ जा भाई, ठीक है आते हैं, चलो। और विक्रांत के लाइव पे आ जाओ भाई, चलो सब लोग विक्रांत के लाइव पे आ जाओ, सब लोग विक्रांत को यहाँ ले लेते हैं ना, विक्रांत को यहाँ ले लेते हैं, बहुत अच्छी लाइव चल रही है, विक्रांत को यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया को बैठा देंगे, विक्रांत को ले लेंगे, विक्रांत को ले लेंगे। अक्की भाई सोनिया को रखो, मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं पीछे हूँ, चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है अक्की भाई, तो विक्रांत को ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यार एक कमीज में लाइव चलाओ, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ,
लेकिन वो दीपक को प्रॉब्लम हो जाएगी यार। वैसे भी वो महिला कुलदीप यूट्यूबर है, कुलदीप जी को भी लेना एक सेकंड। कुलदीप यूट्यूबर है, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ कि ऐसे कैसे लोगों को मौका मिल जाता है कि लोग हमारे देश के बारे में ऐसे गंदा गंदा, इनको किसने हक दे रखा है ये चीजों का यार। ये लोग मतलब ये दीपक की जान का दुश्मन बना हुआ है इसका मतलब। ये सिर्फ यहाँ पे फॉलोअर्स देख के इकट्ठे होके किसी को भी गाली देने लग जाता है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, क्योंकि वो कश्मीर के लोग ही हैं जो हमारी इंडिया की रक्षा। भाई क्या बात होगी लाइव पे, भाई बकचोदी चल रही है ना साली, बैंक समझ में नहीं आ रहा। डीएम आ रहे हैं कि आर्मी के बारे में कुछ बकचोदी हो रही है, ऐसे ऐसे आर्मी के बारे में कुछ नहीं हुआ, आर्मी की दिल से रिस्पेक्ट है। वो कोई लड़का बैठा रखो कश्मीरी बकचोदी कर रहा हो, बहन चोद ये जो अभी 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 विक्रांत के आईडी पे चल रही है, वहाँ मिलेगा ये लड़का, वहाँ चलो वहाँ मिलेगा। कही है उसने बहन के लंदन है, उसने कुछ नहीं कही है, ये कॉन्ट्रोवर्सी हमारे लोग ही करके। चल कोई बात नहीं, वहाँ देखेंगे, चलो